चैप्टर फोर एग्जाम्पल नंबर 4.5। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू जीरो विथ ए वेलोसिटी 5 इन मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर एक्शन ऑफ ए फोर्स विच प्रोड्यूसेस ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3i कैप टू जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट वेन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84। सेकेंड पूछा गया है वट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। तो इसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे पास ये टू डायमेंशनल मोशन है। एक मोशन एक्स डायरेक्शन में है, दूसरा मोशन जो है वो वाई डायरेक्शन में यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। और कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होने की एडवांटेज हमारे पास क्या होती है कि हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का इंडिपेंडेंटली एक्स और वाई डायरेक्शन में हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यूज करना चाहें कि एक्स डायरेक्शन में क्या करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यही चीज अगर हम वाई डायरेक्शन में लिखें तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो x के बारे में दिया गया इसी को सॉल्व करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी बोली गई है, 84। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में 5t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ रहा है राइट नाउ 3, और इनटू में टी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 168 इज इक्वल टू 10t प्लस 3t स्क्वायर। और पूरी इक्वेशन को अगर हम एक साइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। इसको आगे हम ब्रेक करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पे कॉमन आएगा t, तो पीछे बचेगा 3t प्लस 28 माइनस 6, हमारे पास फिर से यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये हमारे पास अगेन बचेगा 3t प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास t माइनस 6 और 3t प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू हमारे पास आती है, एक t इज इक्वल टू आता है 6, दूसरा आएगा माइनस 28/3। तो टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारे पास यही एक पॉसिबिलिटी बचती है। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है 0 प्लस हाफ, ए की वैल्यू वाई डायरेक्शन में कितनी है 2, और टाइम हमारे पास कितना है 6 का स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास फाइनली आ गया 36 मीटर। इसके साथ हमें ये भी पूछा गया है कि इस मोमेंट पे पार्टिकल की स्पीड क्या रही होगी। तो स्पीड के लिए भी हम एक्स डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट के लिए आएगा। और वाई के लिए लिखेंगे तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू में टी। सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं, वी एक्स हमें निकालना है, यू एक्स की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 3 है, और टाइम हमारे पास कितना है 6। तो वी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, तो 18 प्लस 5 दैट इज 23। और वी वाई के लिए लिखें तो इनिशियल वैल्यू 0, ए वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, और टाइम की वैल्यू 6। तो वी वाई कंपोनेंट जो आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है 12। फाइनल अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखा जाए तो ये हमारे पास आएगा 23i कैप प्लस 12j कैप। हमसे स्पीड पूछा गया है तो वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 529 प्लस 144, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 673 का रूट। और वी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो आएगी दैट विल बी 26 मीटर पर सेकेंड।